उस दिन पहले तूफान आया था, लेकिन अब तो भाई सुनामी आ चुकी है। जी हाँ, हम बात करें सरबत्ता परंपराई की, जो कि हाल फिलहाल में अमेज़न प्राइम पे कर दी गई रिलीज। और इसे देखने के बाद भाई सब मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस, और आपको ये देखनी चाहिए नहीं, अपने टाइम देना दें, तो उसके लिए तो आपको हमारे रिव्यू पे बने रहना होगा। तो मैं रोहित राज आ चुका हूँ आपके लिए इसी का रिव्यू लेके, तो चलिए शुरू करें। अब सबसे पहले बात करेंगे स्टार कास्ट की, तो आपको आर्या इसमें नजर आने वाले हैं। अब ज्यादा स्पॉइलर फैलाते हैं, सीधे स्टोरी पाते हैं। स्टोरी क्या है वो सुनने से पहले आप सब तो ये जानते हो कि पूरी फिल्म आधारित है बॉक्सिंग पर। जी हाँ, अब स्टोरी क्या है वो भी सुन लीजिए। एक तरफ है इंडो अप्पा, दूसरी तरफ है सरपत्ता। जी हाँ, ये दो गुट हैं जो बॉक्सिंग में जीतना चाहते हैं। इंडो अप्पा, जिसे भाई साहब विरासत में फैमिली से ही मिल चुका है पूरा का पूरा गांव ज्ञान गुण, और दूसरी तरफ है सरपत्ता, जो अपना नाम बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे बॉक्सिंग में जीतना ही होगा। अब इसी के बीच एक प्यारी सी स्टोरी, सुंदर स्टोरी आपके सामने पेश की गई है। वो स्टोरी क्या वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका जो देखने के लिए उत्साह है ना, उसे तो खराब नहीं करना चाहूंगा। जी हाँ, जिसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। और उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा मुझे देखने के बाद कैसा लगा, और आपको ये देखनी चाहिए या ही नहीं। तो सबसे पहले बता दूं भाई, देखो स्टोरी एक अच्छी थी, नहीं थी, और आप कह सकते हो कि स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप की गई है, जिस वजह से इस स्टोरी को पेश किया गया। प्रेजेंटिंग का तरीका बहुत ही बेहतरीन शानदार था। इससे पहले हाल फिलहाल आपको पता तूफान आ चुके, वो भी दो ही गुटों पर, यानी कि बॉक्सिंग पर आधारित, लेकिन उसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक थी तो ये 100 है। स्टोरी के अंदर जो टर्न ट्विस्ट छोटे छोटे डाले हैं ना, वो काफी ज्यादा आपको इंप्रेस करने वाले हैं। थोड़े सा हल्का फुल्का इमोशनल सीन है, ये जो ड्रामा है ये काफी ज्यादा आपको इमोशनल कर देगा। जी हाँ, और वही बात करूंगा, जो तूफान थी उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। आप कह रहे हो आप बॉलीवुड की बुराई कर रहे हो, नहीं, आप जाके देख सकते हो, आपको खुद ही पता चल जाएगा सरपत्ता और तूफान के अंदर क्या अंतर है। वही बात करेंगे अब इसके स्क्रीन प्ले की, तो इसका स्क्रीन प्ले फर्स्ट आपसे आपको ना हल्का फुल्का देखो बोर तो करने वाला है, ये तो है कि गारंटी दूंगा बोर करने वाला है, क्योंकि आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखोगे। अगर आप हिंदी ऑडियंस हो तो आप तो बोर ही होने वाले हो, अगर इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख रहे हो बहुत ही ज्यादा बोर होगे। वैसे तो नहीं होते, लेकिन जो उसका सेकंड हाफ आते ही ना आपको मतलब एक तरीके से ना कहते हैं ना उत्साह प्रोत्साहन, इस तरीके की कुछ फीलिंग आने लगेंगे, और आप मोटिवेशन की तरह होता है ना वो चीजें देखने लगोगे, और जो आपको काफी ज्यादा इंप्रेस करती है, आपको फिल्म से कनेक्ट रखती है। अब बात करेंगे राइटिंग, तो कहानी की राइटिंग तो ठीक ठाक थी, लेकिन करेक्टर राइटिंग उससे भी ज्यादा बेहतरीन थी, जो काफी ज्यादा आपको इंप्रेस करती है। जो करेक्टर राइटिंग लिखी गई है वो करेक्टर ने पूरा उसके लिए 100% दिया भी, जिस वजह से कहेंगे आपके आर्या की जो एक्टिंग थी वो भी दमदार थी, जी तोड़ थी। जी हाँ, उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में। अब बात करेंगे टेक्निकल पार्ट की, तो टेक्निकल पार्ट में जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक था वो काफी ज्यादा दमदार था, काफी ज्यादा आप सुन पाओगे उसे, और काफी ज्यादा लाउड भी था। जी हाँ, वही बात करूंगा, इसकी सिनेमोग्राफी काफी कमाल की थी, जैसे कि 1980 के दशक की ये फिल्म बनाई है उस हिसाब से इसकी सिनेमोग्राफी पे काम भी किया गया, जो कि ठीक ठाक भी लगा, और जो सिनेमोग्राफी के सीन थे वो आपको इम्प्रेस भी करने वाले लगेगा। हाँ, जो 1980 का ही हल्का फुल्का दशक चल रहा है। अब बात करें आपको देखनी चाहिए या नहीं, तो इससे पहले आपने तूफान देख ली बॉक्सिंग पे, इससे पहले मैरी कॉम नामक भी एक फिल्म आ चुकी है, जो कि प्रियंका चोपड़ा की, और भी देखो आ चुकी है वैसे साला खड़ूस वगैरह, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग था। जो इसकी स्टोरी है वो काफी अच्छी सजाई गई है, काफी अच्छी लिखी गई है, जिसे देख के आप मतलब कि इम्प्रेस होने वाले हो, जिस वजह से ही इस फिल्म को मैंने देखा, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे देखने के लिए 100% शॉर्ट था, क्योंकि इस फिल्म के जो रिव्यू तो काफ़ी अच्छे आ रहे थे, जिस वजह से इसे देखने के बाद मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया। जो इसकी स्टोरी है ना वो आपको इंप्रेस 100% करने वाली, क्योंकि स्टोरी बनाना और सजाना अलग बात होती है। जो इसके अंदर दिखाया गया है क्या सजाई है स्टोरी, वो आपको इसमें दिखने वाली। सब बात करेंगे कि पेरेंटल गाइडलाइन की, तो 80+ हो या ना हो तो आप देख पाओगे इसे, क्यों, क्योंकि भैया ये परिवार के साथ बैठ के देखने वाली ही मूवी है। जी हाँ, वही बात करूँगा, इस फिल्म को जो मैं स्टार देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा 3.5 out of 5। जी हाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, और इसकी IMDb पर रेटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी आ रही है। तो मैं मिलता हूँ आपको इंस्टाग्राम पर, नीचे देख रहे हो ना आगे होगा, यहाँ फॉलो कर लो वैसे कोई कर नहीं रहा है, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कीजिएगा लाइक, अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर लिखिएगा। दोस्तों बाय बाय।